उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ने के आरोप लगाते हुए पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े ने कहा कि सत्ताधारी एवं अधिकारी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। हाथरस की घटना से यह सिद्ध हुआ है। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देकर यूपी की योगी सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की है। कवाड़े ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हाथरस प्रकरण के आरोपियों को सरकार संरक्षण दे रही है, अत्याचार करने वालों के समर्थन में मोर्चे निकाले जा रहे हैं, निर्भया प्रकरण को लेकर आंदोलन होते हैं, लेकिन दलितों पर अन्याय होने पर संवेदनाएं गुल होती है, इससे जातिवाद मानसिकता सामने आती है। इसके विरोध में 11 नवंबर से आत्मनिर्भर प्रतिकार अभियान आरंभ किया जाएगा। कवाड़े ने कहा कि बारिश से किसानों को भारी क्षति पहुंची है, केंद्र सरकार ने इसे देखते हुए महाराष्ट्र को 50,000 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए। पार्टी के कार्याध्यक्ष जयदीप कवाड़े ने इस दौरान जानकारी दी कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर 24 अक्टूबर को होने वाला भीम सम्मेलन रद्द कर दिया गया है। अत्याचार होता है, त्या अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी रोखण्यासाठी सरकारने सर्व पातळीवर जे प्रयत्न करायला होताना दिसत नाही आहे, आणि त्यामुळे असा समज आमचा झालेला आहे की शासन आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे दलितांवरच्या अत्याचाराचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे। ही आमच्या 70 वर्षाच्या स्वातंत्र्याची मोठी शोकांतिका आहे। एक तर शासन आता हाथरसचं जे प्रकरण झालं आपल्याला सर्वांना चांगलं ठाऊक आहे, शासन आणि प्रशासनामध्ये जो अधिकारी वर्ग आहे, सर्वच नाही, बराचसा अधिकारी वर्ग हा जातीय मानसिकतेने पीडित आहे। त्यांचा दृष्टिकोन दलितांच्याबद्दल ते तुच्छतेचा असतो, आणि या सर्व भानगडीमुळे दिवसेंदिवस राज्यातील देशातील दलितांची दलितांमध्ये प्रचंड दहशत आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे। आता कायदे अनेक आहेत, ॲट्रॉसिटीचा ॲक्ट आहे, प्रिव्हेन्शन ऑफ ॲट्रॉसिटी अगेन्स्ट शेड्यूल ट्राईब हा कायदा आहे, सिव्हिल राईट प्रोटेक्शन ॲक्ट आहे, हे असून देखील दलितांवरील अत्याचाराचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चाललेलं आहे।